खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते भारत, मैं हूँ आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। आपको बता दें, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे हलचल तेज होती जा रही है। बस कुछ ही दिन बाद तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। आज देखिए, प्रियंका गांधी रात भर मैराथन बैठक करती है पार्टी को मजबूत करने के लिए। अमित शाह जाएंगे प्रयागराज कुंभ में डुबकी लगाने के लिए। अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं रैली और साथ ही साथ रॉबर्ट वाड्रा से आज होगी पूछताछ। तो बहुत सारी हलचल होने वाली आज। जी बिल्कुल, नमस्ते भारत, मैं हूँ आदर्श झा और सारी खबरें लेकर हाजिर हैं हम तीनों। नमस्ते भारत, साथ आपके मैं हूँ कुमकुम मनवाल। तमाम हलचल की जानकारी ज्योति ने आपको दे ही दी, लेकिन सबसे बड़ी हलचल हुई है कल रात उत्तर प्रदेश में। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, प्रियंका गांधी कल पूरी रात कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करती रही। सुबह 5:15 बजे तक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है प्रियंका गांधी ने। 5:15 तक ये बैठक चली और उसके बाद बाहर आकर पहली बार मीडिया से दो शब्द, बहुत कम लेकिन दो शब्द कहे। 12 लोकसभा सीटों के कार्यकर्ताओं से यूपी के बारे में बात की है प्रियंका ने। सोचिए कितनी लंबी और लगातार ये बैठक चली होगी कि प्रियंका को अंदाजा ही नहीं हुआ कि सुबह हो चुकी है। दिल्ली की सत्ता की सीढ़ी यूपी से होकर गुजरती है और 2019 में वापसी के सपने देख रही कांग्रेस यूपी की जमीन मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं के साथ रात भर लखनऊ में मैराथन बैठक की, जो आज सुबह करीब 5 बजे खत्म हुई। प्रियंका गांधी ने 12 लोकसभा सीटों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। प्रियंका का पूरा ध्यान यूपी में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने पर है। क्षेत्र में संगठन कैसा है, डिस्ट्रिक्ट की कमेटियां कैसी हैं, ब्लॉक की कमेटियां कैसी हैं, सब जानकारी मैं ले रही हूं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने महासचिव प्रियंका गांधी को यूपी में 41 और ज्योतिरादित्य सिंधिया को 39 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है। देश तैयार है परिवर्तन के लिए, उत्तर प्रदेश तैयार है एक नई सोच के लिए। अब देखिए, शुरुआत में मेहनत तो बहुत कर रही है। 1:30 बजे कल बैठक शुरू हुई और 5:15 बजे तक चली। अब देखना होगा कि कितना फल इसका मिल पाता है। खैर, प्रियंका गांधी आज फिर बैठक करने वाली है और एजेंडा है हर लेवल के कार्यकर्ता के साथ संवाद करने का। प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का आज तीसरा दिन है। इससे पहले कल रात भर प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और 2019 लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई, बड़े नेताओं के बारे में फीडबैक लिया और ज्यादा वक्त यूपी में गुजारने की बात कही। टिकट को सुना, सबसे हाथ उठा उठा के पूछा कि कौन किस पोस्ट पे है। हमसे ये बताया कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो और जा करके गांव में एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता को जोड़ना है। हम लोगों ने कहा कि कांग्रेस जो कमजोर हुई है वो बड़े लीडरों की वजह से कमजोर हुई है। हमारा वर्कर आज भी वहाँ बूथ पे काम कर रहा है और बूथ पे लड़ता है। प्रियंका के यूपी में पहुंचने से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। कई महिला कार्यकर्ताओं ने प्रियंका के साथ सेल्फी भी ली। प्रियंका आज लोकसभा सीटों के हिसाब से कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और हर एक सीट के कार्यकर्ताओं से एक एक घंटे मुलाकात करेंगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।